हमारी होगी। अरे भैया प्रिंसिपल वीडियो देखेंगे मान जी बोलिए ना घुमा दीजिए एक और आगे चलता हूँ इधर कराऊँ क्या ये मैडम क्या कह रही हैं क्या कह रहे हो आप बताइए सर हम कह रहे हैं कि मेरा ना दौड़ने में प्रॉब्लम नहीं बस स्पीड और टाइमिंग नहीं आ रही है मैडम ये कह रही हैं मेरे दौड़ने देखिए आपको बता रहा हूँ आप लोग देखते रहिए ये मैडम कह रहे हैं मेरे दौड़ने में प्रॉब्लम नहीं आ रही मेरे पास स्पीड नहीं है इन कहने का मतलब ये कि इंडोरेंस है इनके पास और ये दौड़ ले रही हैं लेकिन स्पीड नहीं है मतलब जो 2400 मीटर का टाइम इंप्रूवमेंट नहीं है अब इनके पास आपके पास स्पीड नहीं है इसलिए ठीक ना जब हम रिपटेशन लगवाते हैं जो रिपटेशन लगवाते हैं 400 मीटर या 600 मीटर वो स्पीड के लिए लगाते हैं कंटिन्यू रनिंग करने से इंडोरेंस होता है ये इंडोरेंस डेवलप करके आ गई हैं लेकिन स्पीड इनके पास नहीं है अब हम जब रिपटेशन लगवाएंगे तो उससे स्पीड डेवलप होती है वर्क छोटा होता है लेकिन हार्ड वर्क होता है सर अभी हम जब रिपटेशन आप लगवाएंगे तो उससे इंप्रूवमेंट आपका होगा उसी से स्पीड आएगी इससे पता चलता है कि बच्चे जो गांव में या कहीं अपने आप दौड़ रहे हैं उनके ऑलरेडी इंडोरेंस डेवलप कर ले रहे हैं लेकिन स्पीड नहीं आ रही क्योंकि उनको स्पीड लाने का तरीका मालूम नहीं है स्पीड कैसे लाई जाती है रनिंग अभी कल एक हमको बच्चा कमेंट किया था कि मैं 4 किलोमीटर रनिंग कर ले रही हूँ लेकिन मेरी स्पीड नहीं 2400 मीटर पास हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ बच्चे के पास रनिंग लगातार इंडोरेंस तो आ रहा है लेकिन स्पीड डेवलप नहीं कर पा रहा उसको ये पता नहीं है स्पीड कैसे डेवलप की जाती है समझ रहे तो इससे क्या होता है कि स्पीड जब वर्क करेंगे तभी ताकत लगेगी जान लगेगी तभी स्पीड आएगी ठीक ना ठीक चलो 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 कंफर्टेबल चलिए डाउन आप आगे ना डाउन आप डाउन हाँ बढ़िया आप
डाउन अप डाउन आगे ना अप डाउन अप रिलैक्स करिए अभी करो करना रहेगा आराम करिए अच्छा करिए।